मतलब अच्छाई के अभाव को कहते हैं बुराई। ठीक, एक और बहुत मौलिक सवाल था कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पहली बात है इसको पहले पूरा कर लूं फिर दूसरे पे जाता हूं। अंधकार और प्रकाश, ठीक, दो चीजें हैं। इसमें अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचें तो जिस चीज का अस्तित्व है वो तो है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का स्रोत होता है। ठीक, आप बटन जलाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। दिन के समय में हमारे प्रकाश का स्रोत जो है सूर्य है, मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा, और जब वो प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अंधकार का कोई स्रोत होता है क्या? क्या हम कोई ऐसा बटन बना सकते हैं कि बटन दबाएं और अंधकार छा जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो असल में जिस चीज का अस्तित्व है वो तो है प्रकाश, लेकिन जब प्रकाश नहीं रहता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अंधकार है। लेकिन अंधकार और प्रकाश के मौलिक चरित्र में ये अंतर है, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि असल में बुराई को हटाने का काम नहीं करना है, हमें क्या करना है? आप अच्छाई को स्थापित कर दीजिए, बुराई अपने आप चली जाएगी, और जब तक अच्छाई आएगी नहीं तब तक बुराई रहेगी। ठीक, बुराई का कोई स्रोत नहीं होता। अब इससे हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बुराई। भ्रष्टाचार उस चीज को कहते हैं समाज में जो स्वीकृत मूल्य है, जिसको हम सबने माना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अगर उससे भटकाव होता है तो उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। ठीक, हमने क्या माना है? ईमानदारी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार? समाज ने माना क्या है, स्वीकृत क्या चीज है? स्वीकृत तो ईमानदारी है ना, ईमानदारी से भटकाव भ्रष्टाचार। ठीक, हम मानते किस चीज को है, क्या होना चाहिए, अहिंसा या हिंसा? अहिंसा चाहिए। समाज में, समाज को अहिंसा पे आधारित होना चाहिए ना, लेकिन अहिंसा से जो भटकाव होता है वो हिंसा हो जाता है। इस चीज को आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है ज्यादा समय अहिंसा की अवस्था में रहता है, मतलब वो हिंसा नहीं करना चाहता। कभी कोई बहुत उत्साह दे, किसी बात में बहुत गुस्सा आ गया हाँ, तो वो हिंसा करेगा। आपका झगड़ा होता होगा कभी किसी से, कभी किसी दोस्त से, माता पिता से, किसी से भी आपका झगड़ा हुआ। ठीक, जिस समय झगड़ा हुआ उसके एक घंटे बाद क्या उतनी ही तीव्रता रह जाती है गुस्से की? और एक दिन बाद, तीसरे दिन तक हम सोचते रहते हैं कि यार क्या बेवकूफी की, हमने झगड़ा कर लिया हाँ, चलो उससे दोस्ती कर लेते। ठीक, और जिस क्षण झगड़ा होता है उस समय तो हम शायद उसकी जान भी लेंगे, वो सार हो जाए। ठीक, तो ये दिखाता है कि जो जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में वो स्वाभाविक नहीं, वो हमारी असल में वो आती है हमारी न समझदारी की वजह से, लेकिन वो जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से ही चली भी जाती है, और फिर हम एक सामान्य अवस्था में आ जाते हैं जहां हम अहिंसा के मूल्य के साथ ही जी जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा भी एक किस्म का भ्रष्टाचार। ठीक, मनुष्य के साथ मनुष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, विश्वास पे आधारित या अविश्वास पे? विश्वास पे। ठीक, और अगर उससे भटकाव होता है तो वो भ्रष्टाचार। मैं इनके साथ विश्वास का संबंध है और कोई हमने वादा किया और वो वादा हमने पूरा नहीं किया तो इनको लगेगा कि आदमी गड़बड़ है। ठीक,
पति पत्नी के बीच में भी ये होता है, पति पत्नी का रिश्ता जो है उसमें अगर किसी एक को ये लगा कि ये इस रिश्ते की जो पवित्रता है वो भंग कर रहा, यानी इसका किसी तीसरे के साथ संबंध हो रहा, तो ये माना जाता है कि वो भटकाव है, वो एक किस्म का भ्रष्टाचार। ठीक, तो जो स्थापित मूल्य है समाज में, जो स्वीकृत मूल्य है, उससे जब भटकाव होता है तो वो सारी परिस्थितियां असल में भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का अवैध लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं होता। कुछ इससे जुड़ा हुआ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। सर इसी से एक मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न था सर, अभी आपने बताया भ्रष्टाचार क्या क्या चीजें होती, क्या जुड़ी होती, क्या नहीं जुड़ी होती। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देख लें, अगर हम कांग्रेस पार्टी की जब से सत्ता में आई, जब से हमारा देश आजाद हुआ, तब से अभी तक जो नेहरू जी का परिवार है अस्तित्व है, पावर में है, जो कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे हम स्टेट लेवल की हम राजनीति की बात देख लें, चाहे सपा बसपा हुई, इन लोगों की जो पारिवारिक ये जो नेपोटिज्म की जो बातें चलती है, क्या ये भ्रष्टाचार है? भाई लोकतंत्र में परिवारवाद कैसे चल सकता है? परिवारवाद की पूरी जो परंपरा है जो लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार है। अभी ये चार दिन तक रहेंगे तो आज उनको जवाब देने दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। अभी नहीं, अब देखिए बीच में सब ये भी भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाएगी क्योंकि समय कम है। समय ज्यादा रहता तो हम एक बहुत लंबी बहस इससे करते। अब इससे आते हैं जुड़े सवाल पे। कई लोगों को ये बड़ा तकलीफ हुई कि हमने ये कह दिया कि पढ़े लिखे जो है भ्रष्ट, उनको लगने लगा कि तब हम कर क्या रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं नहीं वो तो जो है अनपढ़ को मौका नहीं मिलता इसलिए वो भ्रष्ट नहीं होते। और किसी ने ये भी कहा कि आप जब शिक्षा शिक्षा कह रहे थे तो क्या आपका मतलब खराब शिक्षा था? देखिए मेरा मतलब बिल्कुल खराब शिक्षा नहीं, मेरा मतलब यही शिक्षा था जो आपको सेंट मेरी सेंट कॉन्वेंट, मतलब जो भी ये जो स्कूल है बढ़िया बढ़िया सेंट जोसेफ वगैरह इसमें मिलती। ठीक, जो आपको IIT में मिलती है, IIM में मिलती है, मैं उसी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। यही शिक्षा मनुष्य को भ्रष्ट बना रही है। ठीक है, बल्कि जो खराब शिक्षा वाला है, मुझे कई बार कोचिंग क्लासेस वाले बुलाते हैं तो मैं बोलता हूं जिसका सिलेक्शन हो गया किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में, उसको तो मैं चेतावनी दे रहा हूं कि भाई तुम अब एक भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हो। ठीक है, अपने आप को बचा के रख सकना तो रखना, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको मैं बधाई दे रहा हूं कि आपके सामने अभी भी ईमानदारी से जीवन जीने के रास्ते खुले हैं। ठीक है, तो जो खराब, जिसको आप खराब शिक्षा कह रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली है क्योंकि वो उस व्यवस्था में उसके जाने की संभावना कम है। जो टॉपर है वो तो प्रदीप शुक्ला ही बनेगा। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल मतलब खराब शिक्षा से नहीं है, मेरा मतलब इसी शिक्षा से जो हम और आप पा रहे हैं। और ये शिक्षा बदलनी पड़ेगी निश्चित, किसी ने कहा आप भी तो उसी से आए, तो मैं आया तो जरूर हूं उससे, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों की तरह मैं भी एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां ये बताया गया कि भाई पढ़ना लिखना जरूरी है, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनोगे तो तुम जो है किसी काबिल नहीं रहोगे। हाँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गया, फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पूरी हो गई पढ़ाने लगा, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तब मैंने ये तय किया कि अब मैं मेरे बस में जो है मैं उसको बदलूंगा। तो पिछले साल भी मैं एक कोर्स पढ़ा के आया IIT गांधीनगर में, और मैं आपको बता दूं कि मैंने उस किस्म की परीक्षा नहीं ली जैसी परीक्षा होती है। मेरा जो मूल्यांकन का तरीका है, और ये सवाल ये उसका भी जवाब है जो किसी ने पूछा कि अगर ये कंपटीशन वाली शिक्षा नहीं होगी तो हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने ये भूमिका ली कि भाई एक प्रोफेसर के रूप में एक विषय मुझे पढ़ाने को दिया गया। ठीक, तो मेरा काम क्या है, मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि वो विषय सबको समझ में आए कक्षा, है ना? परीक्षा लेके पास और फेल करना क्या ये मेरा काम है? मैंने कहा ये तो प्रशासनिक काम है, ये किसी क्लर्क से करवा लीजिए। ठीक है,
मेरा काम है इस विषय को हर एक बच्चे को समझाना, और जब तक मैं अपने कक्षा के एक एक बच्चे को ये विषय ठीक से नहीं समझा लूंगा तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा काम पूरा, और जब हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो पर चूंकि ग्रेड देने थे, उनकी एक आवश्यकता है कि आपको कक्षा के अंत में ग्रेड देने थे, तो मैंने जो अब प्रक्रिया अपनाई वो मैं आपको बताता हूं। मैंने एक एक बच्चे को कहा कि तुम मेरे पास आओ और हम और तुम बात करेंगे और हम समझेंगे कि तुमने कितना समझा, और जो भी उससे लिखवाना था वो वही सामने लिखवाया। मैंने कहा ये सवाल है, इसका तुम कैसे करोगे? तो 15-20 मिनट में समझ में आ जाता है कि किसी छात्र को कोई विषय समझ में आया कि नहीं। उसको विषय नहीं समझ में आया तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम जाओ फिर से पढ़ो और दोबारा आओ। ठीक, तो छात्र को अनगिनत मौके मिले जब तक कि छात्र संतुष्ट नहीं हो गया कि हाँ मुझे विषय समझ में आ गया, और जब तक कि हम संतुष्ट नहीं होंगे कि उसको विषय समझ में आ गया। तो अंत में यह हुआ कि सारी क्लास को डबल ए ग्रेड मिल गया। खत्म। ठीक भाई, हमारा तो उद्देश्य यही था ना कि सबको विषय समझ में आ जाए। तो जो 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 ज्यादा कमजोर थे या जो बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे उन्होंने 3-4 बार में विषय को समझा, जो ज्यादा तेज थे वो पहली बार में समझ गए। तो उसके बाद 3-4 प्रोफेसर मेरे कमरे पे आए। जो डायरेक्टर था उसको तो मालूम था कि ये आदमी ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने तो मुझसे कुछ बोला नहीं। मैं उसको पहले बोल के गया था कि भाई मैं वही करूंगा जो मैंने कानपुर में किया था। तो बोला कि ठीक है तुम आओ पढ़ाओ विषय। 3-4 लोग आए, बोले कि ऐसा तो कभी IIT के इतिहास में हुआ ही नहीं कि पूरी कक्षा में सबको एक ही ग्रेड मिल गया। तो मैंने बताया भाई ये प्रक्रिया थी मेरी मूल्यांकन करने की। तो बोले आपको तो जिसने पहली बार में विषय को समझ लिया उसको बेहतर ग्रेड देना चाहिए था, और जिसने तीसरी या चौथी बार में समझा उसको कम ग्रेड देना चाहिए था। तो मैंने कहा आप इस बात की गारंटी दे दो कि जिसने पहली बार में समझा वो कल भ्रष्ट नहीं बनेगा, तो मैं अभी उसको अच्छा ग्रेड दे देता हूँ। तो असल में जो मुख्य चीज है, और यहीं पे उस सवाल को भी मैं लेता हूं कि शिक्षा और ज्ञान में क्या फर्क है। देखिए कहने की बात है कि शिक्षा जो है हम ज्ञान हासिल करने के लिए दे रहे हैं, असल में हकीकत यह है कि आप भी इसलिए पढ़ने जा रहे हैं और आपके माता पिता भी इसलिए पढ़ने आपको भेज रहे हैं कि आपको ये शिक्षा के बाद एक बढ़िया तनख्वाह वाली नौकरी मिले। ठीक है, वो नहीं मिले तो सब बेकार है ना, हकीकत ये है। और फिर वो परीक्षा आपको नकल करके पास करनी पड़े, कैसे भी करनी पड़े, आपके अच्छे नंबर आने चाहिए ताकि आप एक बढ़िया नौकरी पाए। और उत्तर प्रदेश बिहार में है तो IAS YAS में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर दहेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये पूरी दृष्टि है। इसमें कहीं ये दृष्टि नहीं है कि मेरे बच्चे को ज्ञान हासिल हो जाए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे। और इसका नतीजा ये है कि जब हम पढ़ लिख के निकलते हैं तो हमारी दृष्टि और संकीर्ण हो जाती है। आप गांव में जाएंगे तो एक साधारण ग्रामीण कम से कम अपने गांव की तो चिंता करेगा, पूरे इलाके की नहीं भी करेगा, गांव की तो करेगा ही, गांव में कुछ होगा तो दौड़ के जाएगा। लेकिन शहर तक आते आते हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाती है कि फिर हम पड़ोस में नहीं देखते कि क्या हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें अपना कैरियर, हमारे बच्चों का कैरियर, ठीक, इसकी बस चिंता रहती है और हम इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसका विकल्प है अगर हम चाहें तो, लेकिन फिलहाल जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है और जो हम इस देश में जिसको हमने मंजूर किया हुआ है, वो एक सवाल ये था कि क्या ये हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण है। निश्चित रूप से ये इसीलिए है। और एक साथी ने कहा कि गांव के लोगों को कौन रोकता है पढ़ने लिखने से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में आधे बच्चे कक्षा 8 पार नहीं कर पाते और सिर्फ 9% बच्चे स्कूल की दहलीज पार करके कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। इस देश में इतने स्कूल कॉलेज है ही नहीं कि सब बच्चे पढ़ सके। और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है अनिल सदगोपाल, वो कहते हैं कि इस देश में बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करते हैं स्कूल से, वो वॉक आउट करते हैं।
वो वॉकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें हमारा कोई भविष्य नहीं, भाई जब अंत में जाके बेरोजगारी भत्ता ही लेना है तो इससे अच्छा कि जाके कुछ काम धंधा करें, ठीक है ना। बेरोजगारी भत्ते की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि सबके लिए काम है नहीं, सबको काम दे नहीं सकते, क्योंकि जिस किस्म की शिक्षा है ये हमें उत्पादन की प्रक्रिया से काट देती है, ये हमें बनाती है नौकरी के बारे कि हमें कोई नौकरी दे तब हम नौकरी करें, नौकरियां हैं सीमित, इस देश में शायद 3% से ज्यादा लोग नौकरियां नहीं करते, तो वो 3% के लिए सारा मारामारी है। और दूसरी तरफ सरकार की नीति है कि सब लोग पढ़ें, शिक्षा के अधिकार का कानून है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ सके। तो इस देश का जो शासक वर्ग है उसने ये तय किया हुआ है समझ बूझ के कि इस देश में दो किस्म की शिक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी, एक तो अमीरों के लिए जिसमें उसके बच्चे पढ़ के और ये प्रतियोगिता वगैरह में हिस्सा लेके वो किसी अच्छे कॉलेज अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सके, IIT IIM वगैरह विदेश वगैरह चले जाए, और दूसरा जो बड़ा तबका है जिसको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है जहां अगर आपको शिक्षक मिल जाए तो आप समझिए कि बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिक्षक तो शायद नहीं मिलेगा, शिक्षा मित्र पढ़ाता हुआ जरूर मिल जाएगा, हाँ हो सकता है वो भी ना मिले, और एक विद्यालय में एक या दो से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, हाँ जबकि कम से कम 5 शिक्षक तो चाहिए ही 5 कक्षाओं को संभालने के लिए। एक तरफ देश में बेरोजगारी, सवाल ये पूछना चाहिए कि जब इतनी बेरोजगारी है तो आप सही से हर एक विद्यालय के लिए जितने शिक्षक चाहिए और हर एक अस्पताल के लिए जितने डॉक्टर चाहिए आप उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं करते हो बजाय बेरोजगारी भत्ता देने की, ठीक। किसी भी सरकारी विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय है आपको शिक्षकों की पूरी संख्या नहीं मिलेगी, किसी भी सरकारी अस्पताल में आपको डॉक्टरों की पूरी संख्या नहीं मिलेगी। तो ये जानबूझ के ये शिक्षा चलाई जा रही है इस देश में ताकि जो इस देश का शासक वर्ग है वो इसका लाभ उठाता रहे और समाज का बड़ा वर्ग जो है वो वंचित की जिंदगी जीता रहे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर तो सवालों का जवाब इसमें आ गया होगा। एक बात आई थी वो मैं स्पष्ट करूं कि ये किसी ने कहा था कि कम पढ़े लिखा नेता भी जो है करप्शन करते हैं। देखिए ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जैसे लालू यादव, ठीक, तो उन्होंने किसमें घोटाला किया, चारा, मतलब उनकी औकात चारा तक ही थी, और इसने डी राजा और कलमाड़ी ने किसमें किया, ये जो चिदम्बरम साहब का नाम आ रहा है सर, ए राजा फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी राजा ए राजा है ना। तो जो ज्यादा होशियार लोग हैं वो बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मतलब आप अगर IAS टॉपर हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम है कि कागज पे हेरा फेरी कैसे करनी है और कैसे उसको छुपाना है और अपने आप को बचाना है। जो कम काबिल व्यक्ति होगा वो तो या तो बेचारा पकड़ा जाएगा, लालू यादव पहले नेता थे जो शायद जेल गए थे भ्रष्टाचार, ठीक, और आपको मालूम है कि राजीव गांधी का नाम बोफोर्स में आया और तमाम बड़े बड़े नेताओं का आया, लेकिन उसके पहले कोई जेल नहीं गया था, ये तो जेल जाने की परंपरा थोड़ी अब शुरू हुई नेताओं की। तो ज्यादा काबिल तथा कथित काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हाँ बताइए। एक ने कहा कि क्या आप ये बातें करके हमारा मनोबल नहीं तोड़ रहे, नहीं देखिए मैं आपका मनोबल इसलिए नहीं तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तो आपके सामने सिर्फ एक विश्लेषण कर रहा हूं, ठीक है, और ये तो ये विकल्प तो आपके पास है ही
कि आप इस व्यवस्था का हिस्सा बने या ना बने। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते, ठीक, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कई बार उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, कई बार वो उनको ऐसा काम दे दिया जाएगा जिसमें वो कहीं अलग थलग कोने में पड़े हुए हैं, हाँ कहीं बहुत ऐसी जगह उनका ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ रहना बहुत कठिन है, हो सकता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा के निकाल भी दिया जाए नौकरी से, तो तमाम परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये मजबूरी नहीं। तो सबसे पहला सवाल आया था कि कई बार भ्रष्टाचार हमारी मजबूरी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि सिवाय न्यायालय को छोड़ के, जहां वकील हमसे पैसा ले लेता है और फिर वो जाके अंदर पता नहीं किसको किसको दे देता है, एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पे कि आपको मजबूरी में भ्रष्टाचार का हिस्सा बनना है, आप चाहें तो उसके खिलाफ लड़ सकते हर एक चीज। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, और मैं ऐसे अधिकारियों को भी जानता हूं उस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनते और उसका विरोध करते हैं, ठीक। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि व्यक्ति जो है मजबूरी में भ्रष्टाचार करता, ये विकल्प आपके सामने होता है कि आप तय करें कि आप उस व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मेरे लिए आपके लिए मेरे पास यही चेतावनी है कि भाई अब आप गलती से इस व्यवस्था में आ गए हैं, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई पूरी कीजिए निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये आपको तय कर, आपको अपनी भूमिका तय कर दिया। और इसमें जो युवाओं की भूमिका आपके सवाल पूछा गया, तो इस समय तो युवाओं का ही आंदोलन चल रहा है भाई, अरविंद केजरीवाल तो युवा ही है ना, वो आदमी सीधे सीधे टक्कर ले रहा है प्रधानमंत्री से। बहुत दिनों से कहा जाता था कि भ्रष्टाचार एकदम ऊपर से शुरू होता है, ठीक, ऊपर से बंद हो जाए तो सब बंद हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले से कैसे हम पूछें, उस पर कैसे हम आरोप लगाएं या उससे उसको हम कैसे घेरे, ये किसी को समझ में नहीं आता था। तो अन्ना हजारे के आंदोलन ने यह भी दिखा दिया कि आप जो है और यहाँ पे ये जो दूसरा सवाल आया था नक्सलवाद से जुड़ा हुआ, तो नक्सलवाद भी एक किस्म का आंदोलन है जो इस व्यवस्था के खिलाफ है, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, पर वो हिंसा का तरीका इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको आमतौर पे जो व्यवस्था में एक तरीके से निर्णायक भूमिका में लोग हैं वो उसको वैध नहीं मानते। हालांकि कई लोग हैं जो मानते हैं कि भाई वो एक मजबूरी है, भ्रष्टाचार करना मजबूरी नहीं है, लेकिन वो एक मजबूरी है जिसमें लोग हथियार उठाते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन था, चूंकि इसने शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया, तो इसका उस तरह से दमन भी नहीं हो सकता जिस तरीके से नक्सलवादी आंदोलन का दमन होता है। तो इन्होंने खुल के एकदम दिल्ली में बीचों बीच वहां संसद के सामने जंतर मंतर पे अपने धरने किए और वहां से सीधे वो प्रधानमंत्री स्तर तक के लोगों के भ्रष्टाचार के सवाल उठा रहे हैं और उनसे टकरा रहे हैं। तो ये इस समय देश में एक बहुत बढ़िया मौका है युवाओं के लिए कि ये जो एक बदलाव की एक धारा चली है इसमें आप शामिल हो सकते हैं। एक राजनीतिक पार्टी का या एक राजनीतिक विकल्प का ऐलान होने वाला है 2 अक्टूबर को, और आप उस पूरे अभियान का हिस्सा बने जिसमें कि जो लोग भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ते हैं और फिर हमारी विधानसभाओं और संसद में पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि 163 हमारे सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, 300 करोड़पति हैं, अब ये तो देश का प्रतिनिधित्व करते नहीं, तो कैसे इस तरह के लोग ना पहुंचे और कैसे ईमानदार लोग पहुंचे, इसमें आपकी आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर ये एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अभियान के रूप में खड़ा होता है जिसमें इस देश के 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा को अस्वीकार करके एक साफ सुथरा सामाजिक एक राजनीतिक विकल्प खड़ा होता है, तो आपकी उसको स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
हो सकता है आप में से कुछ लोग चुनाव भी लड़ना चाहें, है ना? तो अपनी अपनी भूमिका सबको तय करनी है और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, इस देश को बदलने का काम कीजिए। धन्यवाद। मुझे लग रहा है संदीप भाई की जो बात थी, संदीप भाई को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, रिपोर्टर के दौर में मैंने कई बार इंटरव्यू किया और इस मुद्दे पर बात हुई शिक्षा को लेकर। 30 के लगभग सवाल आए, 24 बार वही सवाल पूछा गया। आप खुद सोचिए आपकी शिक्षा आपको क्या मौका दे रही है, आपके दिमाग को कितना खोल रही है। एक सवाल पूछने के बाद दोबारा वही सवाल पूछते वक्त हमें से किसी ने नहीं सोचा कि ये सवाल तो पूछा जा चुका है, हम बैठ जाते हैं, जिससे क्या आवश्यकता है। आपकी शिक्षा आपको यहाँ ले आएगी। दूसरी बात, हम आए असहमत हो गए, हमने सवाल उठा दिए, हमें से कम लोगों ने यह सोचने की कोशिश की कि दरअसल बात किसकी हो रही है। मैं जब छोटा था, कक्षा 9 या 10 में था, मेरे पिताजी मुझसे लगभग रोज कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। फिर मेरे बड़े भाई जब मैं 12वीं में आया, यही बात दोहराने लगे, वो नौकरी करने लगे थे। मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, सबको लगा इंजीनियर बन जाएगा, नौकरी भी मिल गई थी मुझे, कन्वर्सिस नाम की कंपनी होती थी कोई, मैंने तय किया पत्रकार बनूंगा, छोड़ छाड़ के चला गया। सवाल ये है कि जिस शिक्षा में आपको बचपन से ये कह के बढ़ा दिया जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि वो शिक्षा आपको बहुत अच्छे रास्ते पर भेज रही है? आपको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी देना है या हमको एक बेहतर नागरिक बनाना। अंततः सारी बात मुझे लगता है यहाँ खत्म होना चाहिए। अब देखिए हमारा सत्र खत्म होगा, लेकिन हमारे बीच में जीवी पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब प्रदीप भार्गव जी भी हैं, थोड़ा सा समय वो बोलेंगे, फिर अभी तो आपका 3 दिन तक और है। बीच में मैं आपको बीच बीच में कुछ बात कर देता हूँ। एक संत के पास एक आदमी आया।